हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। चलो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वन, जो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन है, जिसका आपका एग्ज़ाम है परसों। तो मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपका एक यूनिट कंप्लीट कर दूं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में, आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो एज एग्जाम्स आर गोइंग टू बी ऑफलाइन। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे कंसेप्ट नेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन। ओके, स्पीड में कोशिश करूंगी कि मीडियम ही रखूं, बिकॉज कंसेप्ट मैं ज़्यादा कवर अप कर रही हूं, तो थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर लाइक शेयर ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ज़रूर प्रेस करके जाना। ओके, चलिए सोशियोलॉजी। अब सबसे पहले हम समझेंगे सोसाइटी के बारे में। वाई? बिकॉज सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं लिंक होता है सोसाइटी के साथ। वीडियो को बहुत अच्छे से एक बार प्रॉपर सुन लीजिए, आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर कि एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं एक एरिया के अंदर, ठीक है, जहाँ पर वो एक दूसरे से इंट्रैक्शन भी करते हैं, उनके कल्चर सेम होते हैं, उनका डेली का आना जाना रहता है, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ, उनके कोऑपरेशन के साथ ही वो रहते हैं, कभी किसी को हेल्प की जरूरत पड़ती है किसी भी तरह से। ठीक है, सो द टर्म सोसाइटी कैन ऑल्सो हैव अ ज्योग्राफिक मीनिंग एंड रेफर टू पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे कि हिमाचल साइड में अगर जाते हैं तो उनकी जो पोशाक होती है वो एक ही तरह की होती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स लाइक पंजाब और यूपी लाइक उत्तर प्रदेश, राइट। सो हम उनको एक ज्योग्राफी मीनिंग पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो सोसाइटी होती है वो ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक तरह का एरिया, एक तरह का कल्चर, एक तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने वाले होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी लोकेशन पर रह सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी कैसे बनती है, जब बहुत सारे लोग एक जैसे होते हैं बट उनमें कुछ अलग कैटेगरी के भी होती हैं जो उनके साथ कोऑपरेशन के साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके जब लोग रहते हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, तब उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को सोसाइटी कहा जाता है। ओके, सो कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है, सोशियोलॉजी इज अ डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज कंसर्न विद द ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन सोशल एक्टिविटीज। ओके, सो द वर्ड जो सोशियस है, सोशियस कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया सोशल, जिसका मतलब होता है कंपेनियन और एसोशिएट, मतलब किसी के साथ मिलकर, और जो दैट इज सोसाइटी, ठीक है, और जो लोगोस है मीन्स लॉगी है, वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड लोगोस, जिसका मतलब है साइंस और स्टडी और एडवांस्ड स्टडी। ठीक है, तो मतलब सोशियोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ होता है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, चाहे कुछ साइकोलॉजी हो, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और सोशियोलॉजी का मतलब होता है, सोशो मीन्स सोसाइटी, की स्टडी ऑफ सोसाइटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज अ स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, कि ह्यूमन सोसाइटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और कैसे उन्होंने फंक्शनिंग किया। ठीक है, उस सब की स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। The word sociology was coined by Auguste Comte, French philosopher, in 1839. He is considered as a father of sociology. Sorry, here the word should be definition of the sociology. Written mistake है. Okay, so आप इसको improve कर लीजिएगा. Definition of sociology. आप कोई भी दो writers में से एक writer की लिख सकते हैं. Alan Watt defines sociology is a science of society or of science of phenomena. और ऑर्गन एंड लिमकॉफ डिफाइन सोशियोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। आप इन दोनों में से कोई भी ये कर सकते हैं, या आप कोई और अगर आपकी बुक में मेंशन हो तो वो भी कर सकते हैं, बट एक डेफिनेशन जरूर लिख के आइए। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब देखिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, कि जो आप एक दूसरे के साथ बिहेव करते हो, आप सोशली बिहेव करते हो, उसका आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, या आपके बिहेवियर का दूसरे के ऊपर क्या 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 इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, सो वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ दिस पर्सपेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग रेकरिंग पैटर्न्स ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑन सोशल बिहेवियर। द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव गोज बियॉन्ड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स ऑफ द सोशल बिहेवियर। जैसे हम कहते हैं कि भी मेरी नेचर तो ना उस बंदे से मिलती है, या हम दोनों के टेस्ट काफ़ी मिलते हैं, या हम दोनों की हैबिट्स काफ़ी मिलती है, तो हम एक रूम शेयर कर लेते हैं, या हम इकट्ठे बैठ के पढ़ लेते हैं, और तुम दोनों का एक जैसी है तो तुम दोनों सेपरेट होकर पढ़ लो। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंगली कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हो।
नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. अब नेचर क्या है कि सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट, या अगर सेम कल्चर भी है उनके नेचर डिफरेंट होंगे. ठीक है, कोई बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता होगा तो कोई बहुत ही पोलाइटली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा. तो किसी भी साइंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस. ये एक सोसाइटी की स्टडी है. ठीक है, एक बंदे के ऊपर एक फिजिकल साइंस नहीं है, ये एक सोसाइटी की होती है, तो ये सोशल है. सोशियोलॉजी इज अ कैटेगोरिकली एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन. देखो कैटेगोरिकली क्या होता है कि आप एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हो कि इनके कल्चर सेम है, इनकी ड्रेस सेम है, सो दे आर बिलोंगिंग टू द दिस स्टेट और दिस कैटेगरी. ओके, मीन नॉर्मेटिव नहीं है कि हर कोई पर्सन का डिफरेंट होगा. ऐसे तो कितने करोड़ों में पॉपुलेशन है, तो कितने ही करोड़ों ही कल्चर्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस. इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये एक प्योर साइंस है. ठीक है, प्योर साइंस से मीन आप ये भी ले सकते हो कि जैसे कि जो पर्सन जहाँ पे रहने लग गया उसने वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और फिर वो उसी का बन गया. मतलब वो एक प्योर था, वो एक स्टार्टिंग में उसका कोई ओरिजिन था, कहीं से वो चीज़ डेवलप हुई है. ठीक है, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, ऑर्गेनाइज किया है सिस्टमेटिक मैनर में. नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट साइंस. की एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, सबसे डिफरेंट. सोशियोलॉजी इज अ जर्नलाइजिंग एंड नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस. कि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को लेकर साइंस स्टडी नहीं करता, एक जनरल रूल बनाता है. जैसे कि पंजाबी मोस्टली स्पीक पंजाबी. ठीक है, एक जर्नलाइज बना दिया ना कि पंजाब स्टेट में पंजाबी लैंग्वेज एक कंपल्शन है, तो वहाँ पर सबको पंजाबी आती होगी. दैट इज अ जनरल रूल, दैट इज नॉट फॉर द पर्टिकुलर पर्सन ना. सो नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज बोथ अ रैशनल एंड एम्पेरिकल साइंस. देखिए, जो रैशनल साइंस होती है ना, वो क्या होती है, रीज़न आउट करती है. ठीक है, कि रीज़न क्या था, उसकी थ्योरी क्या थी, जहाँ से कि वो क्या रिजल्ट निकला. और जो एम्पेरिकल होती है वो क्या करती है, फैक्ट्स के ऊपर वर्क करती है. एज वी कैन से दैट कि एम्पेरिसिज्म इज अ अप्रोच दैट एम्फेसिस एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, और रैशनलिज्म जो होती है वो स्ट्रेस किस पे करती है, रीजंस के ऊपर एंड द थ्योरीज That result from logical references. So ये दोनों होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटीज एंड हाउ ह्यूमन्स एक्ट इन द ग्रुप्स. की एक पर्सन इंडिविजुअली कैसे बिहेव कर रहा है, और जब वो ग्रुप ऑफ पीपल्स है तब उसका बिहेवियर क्या है, क्या उसका एटीट्यूड है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस एम ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन. देखिए, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में ज़रूर लिए हैं, बिकॉज क्वेश्चन सोशियोलॉजी और एजुकेशन के रिगार्डिंग ही आएगा, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको कौन सी स्लाइड इसमें से यूज़ करनी है, कौन सा टॉपिक आपको इंक्लूड नहीं करना, ये अब आप पे ऊपर निर्भर करता है. ठीक है, सो एम ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन कि इट्स डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़. कि आपके अंदर डेवलप करता है कि आपको किस टाइम पे किस तरह से आप किस सिचुएशन के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हो, क्या आपकी क्वालिटी है. ठीक है, आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को शो करते हो सोशली सबके सामने. डेवलपमेंट ऑफ अ सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल कि आप बहुत ही कूल माइंड होकर हर सिचुएशन को हैंडल करते हो. ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल हेरिटेज, आप अपनी जो सोशल हेरिटेज है उसको इम्प्रूव करते हो, उसको ट्रांसमिट करते हो, जिसमें से कि आप जो आपको बुरी चीज़ें लगती हैं उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो. ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ मोर एंड मोर नॉलेज, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करते हो और उसको शेयर भी करते हो. ओके, डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव आउटलुक ऑफ इंडिविजुअल. यूज़ ऑफ लेजर टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी रिक्रिएशनल परसुइट्स कि आप अपने लेजर टाइम को वेस्ट नहीं करते हो. अगर आप फ्री हो तो उस फ्री टाइम के ऊपर आप कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी या अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ करते हो. ठीक है, एजुकेशन फॉर सोशल सर्विस, सोशल एफिशिएंसी, इमोशनल इंटीग्रेशन, रैशनल यूनिटी. ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन क्यूरिकुलम डेवलपमेंट. अब देखिए, यहाँ पे क्यूरिकुलम डेवलपमेंट मैंने क्यों लिया है, बिकॉज आपको रिलेशन शो करना है सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बीच में, और एजुकेशन में क्यूरिकुलम होता है. ठीक है, तो सोशियोलॉजी की कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर. सो सोशियोलॉजी स्टडीज रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. कि इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है, तभी तो वो एजुकेशन में इंक्लूड करेगा ना. सो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की प्लानिंग करने के लिए, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए सोशियोलॉजी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सोशियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू विल नो, यू विल लर्न हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम्स इन कॉपरेशन इन द सोसाइटी.
सोशियोलॉजी हैज ड्रॉन आउट अटेंशन टू द इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ द मैन. सोशियोलॉजिकल क्यूरिकुलम बेस्ड ऑन कंडीशंस प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी. देखिए जो एजुकेशन है या क्यूरिकुलम सेट किया जाता है उसमें वो कंसेप्ट्स लिए जाते हैं या वो जरूरतें नीड्स या प्रॉब्लम्स ली जाती हैं जो सोसाइटी में आम देखने को मिलती हैं. इसीलिए कहते हैं कि क्यूरिकुलम शुड बी फ्लैक्सीबल बिकॉज इट शुड बी चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी ऑफ द पीपल. ओके सो इट बेस्ड अपॉन द कंडीशंस प्रॉब्लम्स एंड नीड ऑफ द सोसाइटी. एन एजेंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ कल्चर. की जो कल्चर की बेसिक वैल्यूज है जो कि आपको हर कल्चर में कॉमन दिखती है वो आपके एजुकेशन के क्यूरिकुलम में होना ही होना चाहिए. ठीक है. सो प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर ग्लोबल सोसाइटी. कि अगर आपको ग्लोबल जो इंट्रैक्शन होता है वो करने के लिए बच्चे को प्रिपेयर करते हैं. वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि एक बच्चा ए सेक्शन में है, ठीक है, और एक बच्चा बी सेक्शन में है. तो ए सेक्शन के बच्चे का बी सेक्शन के बच्चे के साथ में कंपैरिजन करना, मतलब कि वो बैठता तो ए सेक्शन के बच्चों के साथ है ना, तो उसका इंटरसेक्शन ए सेक्शन के सब बच्चों के साथ ज़्यादा होता है रदर देन अदर सेक्शंस. तो उसका दूसरे सेक्शन के साथ जब इंटरेक्शन होगा, जब वो कम्पीट करेंगे, तब उनको जो ग्लोबली जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, तो उनके साथ फेस करने में हेल्प होती है. फ्लेक्सीबल फॉर द इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. लेट डेवलपमेंट टू जेन्यून वी फील वट वी फील कि उस चीज़ को डेवलप कर सकें. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी. अब हमारा जो मेन टॉपिक था, अब देखिए आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा कि डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, तो इसका बेस्ट वे होगा कि आप पहले डिफाइन डेफिनेशन लिख दीजिए सोशियोलॉजी की, या थोड़ा सा मीनिंग लिख दीजिए, फिर आप एजुकेशन के बारे में लिखिए, फिर आप उनके रिलेशन के बारे में लिखिए. ठीक है. सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन इन एन इम्प्लिसिट एस्पेक्ट ऑफ एनी सोशल सिस्टम, बिकॉज सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट. सो सोशियोलॉजी स्टडीज द सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल सिस्टम्स, वाइल एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी सोशल सिस्टम. एजुकेशन के बिना आप सोशल सिस्टम की डिवेलपमेंट का, उसके फंक्शन का आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हो. तो सोशियोलॉजी क्या हो गया, वो सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, और एजुकेशन क्या हो गया, सोशल सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो ही वो उसको फर्दर बेनिफिट के लिए या उसके बेनिफिट के लिए काम कर पाएंगे. एजुकेशन इज अ मीन्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ सोशियोलॉजी. एजुकेशन क्या है, एक मीन है जिसमें कि लोग अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी के गोल्स को. ओके, एजुकेशन इज अ लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप ऑफ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी डेवलप्स मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी यूटिलाइज्ड बाय एजुकेशनल सिस्टम्स टू अटेन इट्स गोल्स. सोशियोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. जो सोशियोलॉजी होती है ना, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो उसमें क्या होता है कि सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से इसको प्लानिंग किया जाएगा, क्या कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो कैसे उसको इवेल्युएट किया जाएगा, इवेल्युएट करने के बाद उसमें चेंजेस लाने के बाद उसको फिर से उसको एप्लीकेबल किया जाएगा. ठीक है, उस सब में एजुकेशन भी हेल्प करती है. सोशल मोबिलिटी, नाउ वी विल डिस्कस द सोशल मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी क्या होता है, सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन सोशल पोजीशंस ओवर टाइम. जो कुछ टाइम के बाद एक पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन्स की सोशल पोजीशन में मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी. और हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को. मोस्ट कॉमनली सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द चेंज इन वेल्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ फैमिलीज. जो सोशल मोबिलिटी है मेनली किसको रेफर करता है, कि एक पर्सन के पास पहले कितना वेल्थ था, क्या उसका सोशल स्टेटस था, और विद द टाइम, विद द चेंज इन टाइम, कितना उनके वेल्थ और सोशल स्टेटस में चेंज आया है, इंडिविजुअल पर्सन में या द होल फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, वेन अ पर्सन चेंजेस देयर ऑक्यूपेशन बट देयर ओवरऑल सोशल स्टैंडिंग रिमेन्स अनचेंज्ड. लाइक इफ अ डॉक्टर गोज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन टू टीचिंग इन मेडिकल स्कूल, द ऑक्यूपेशन चेंज्ड बट द प्रेस्टीज एंड सोशल स्टैंडिंग लाइकली रिमेन द सेम. डॉक्टर था बट वो टीच करने चला गया, ऑक्यूपेशन में तो चेंज आ गया ना, कि वहाँ पे डॉक्टर था अब यहाँ पे टीचर बन गया टू टीच द मेडिकल स्टूडेंट्स. सो हम अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी. हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी,
हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी क्या होता है, जिसमें कि पर्सन की पोजीशन चेंज होती है बट उसकी सैलरी, प्रेस्टीज, ग्रेड और अदर प्रिविलेजेस जो हैं वो सेम रहती है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दिया बट उसकी सैलरी वही है, ठीक है। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में क्या होता है कि मींस अचीविंग लोअर टू हायर, कि उसकी और हायर टू लोअर सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज, यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, इसमें क्या होता है कि कुछ फर्दर कैटेगरीज होती हैं जिसको आप देख सकते हो, जैसे कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कि उसका ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, ठीक है, पर्सन ने सेम पोस्ट पे ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया। इंटर रिलीजियस मोबिलिटी, उन्होंने अपना रिलीजियस चेंज कर लिया। इंटर ग्रुप मोबिलिटी, उन्होंने अपना ग्रुप चेंज कर लिया, राइट। फैमिली मोबिलिटी, कि उन्होंने फैमिली चेंज कर ली। टेरिटोरियल मोबिलिटी, कि वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में चले गए, जैसे कि ट्रांसफर केसेस में होता है, ठीक है। एक पर्सन पंजाब में था और फिर बाद में वो उत्तराखंड में चला गया, मतलब उनकी टेरिटरी बिल्कुल ही चेंज हो गई। पार्टी मोबिलिटी, जब वो किसी पार्टी को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स पार्टी से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। इंटरनेशनल मोबिलिटी, कि वो नेशनली इंटरनेशनली एक नेशन से दूसरे नेशन को चेंज करते हैं, एक नेशन से दूसरे नेशन में जाते हैं, ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी लाइक असेंडिंग सोशल मोबिलिटी और डिसेंडिंग सोशल मोबिलिटी। एज वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है, उसी फॉर्म में उनका सोशल स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है। सो जनरली दीज आर सीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑक्यूपेशनल फील्ड्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंडिकेटर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं सोशल मोबिलिटी को। An indicator is meant to indicate something beyond the property. Education, occupation and income are considered to be the main indicators of social mobility. Why I included this site? Because in your syllabus the topic is social mobility and education. So, इसका मतलब मेरे ये स्लाइड ऐड करने का मीनिंग यही था कि आपको ये पता चले कि एजुकेशन का रोल क्या है सोशल मोबिलिटी में। एजुकेशन क्यों उसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, बिकॉज एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, ये तीन मेन सोर्सेज को कंसीडर किया गया है जो कि सोशल मोबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो एजुकेशन से रिगार्डिंग है हम उसी को डिस्कस करेंगे। एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन इज अ प्राइम मीन्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। एजुकेशन ऑफर्स अ चांस टू मेक अप फॉर द वेरियस रॉन्ग्स सफर्ड बाय वंस प्रीवियस जनरेशन, की एक पर्सन था जिसकी फैमिली ने बहुत कुछ गलत सहा है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी, वो एजुकेटेड नहीं थे, दे कांट डू एनीथिंग, सो उन सबको चेंज करने के लिए वो एक स्टार्टिंग करते हैं, एक ऑफर है उनके लिए, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज चैनल टू एक्वायर ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स, कि एक ऐसा मीडियम नहीं है कि इसके बिना आप कर ही नहीं सकते थे, वे और भी हो सकते हैं, बट वी आर कंसिडरिंग द एजुकेशन इज द बेस्ट रोल, ओके। सो फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज अ गेटवे टू द प्रोफेशन, कि आपको किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाना है तो उसके लिए आपको, आपका गेटवे होगा एजुकेशन, बिकॉज अगर आप एजुकेटेड हो गए, आपको उस प्रोफेशन की नॉलेज होगी, तभी तो आप उसमें जॉब ले पाओगे ना। सो एजुकेशन नॉट ओनली हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एक्वायर नॉलेज बट इज आल्सो अ पासपोर्ट फॉर ऑक्यूपेशनल पोजीशन फॉर हायर प्रेस्टीज। जैसे कि अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है देन यू मस्ट हैव टू बी MBA, राइट। तो ये आपकी एक एजुकेशन हो गई ना, कि आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी तो आप एक हायर पोस्ट पर, एक ऑक्यूपेशनल पोस्ट पर जा सकते हो, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड्स एक्सेस टू हाईली पेइंग गवर्नमेंटल पोजिशंस, बिकॉज अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, है ना, अगर आपको, आप एजुकेटेड नहीं हो, देन हाउ कैन यू सर्व टू द पीपल्स ऑफ द कंट्री। सो अफेक्ट ऑफ एजुकेशन इन सोशल मोबिलिटी, इट इज क्लियर दैट द मोर ईयर्स वन स्पेंड्स इन एजुकेशन द ग्रेटर आर वन्स चांसेस ऑफ हाई इनकम एंड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। मीन्स कि अगर किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने ज़्यादा टाइम एजुकेशन में स्पेंड किया है, मतलब उसने एक एक चीज़ को बहुत डीपली पढ़ा है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हो गए हाई इनकम, हाई अवर्ड जॉब के लिए, ठीक है। एजुकेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स द क्रीडेंशियल्स रिक्वायर्ड टू परस्यू मेनी ऑक्यूपेशंस बट इट ऑल्सो हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप, कि जो भी पहले ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स चलते आई हैं ना, कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, भैया किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ की शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स है उनको चेंज करने में भी एजुकेटेड पीपल्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल द मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल रिसीव द मोर लाइकली दे आर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग कंट्रासेप्शन, ठीक है। जिन्होंने ज़्यादा स्कूलिंग में टाइम लगाया होगा, ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में छः छः साल बैठे रहे
वो चीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि जिन्होंने ज़्यादा स्कूलिंग की है, मतलब कि जिन्होंने ज़्यादा एजुकेशन की है, जैसे कि प्लस टू, हायर देन आफ्टर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, देन हायर डिग्रीज मोर देन अदर्स, ठीक है. द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डज अफेक्ट द लाइफ चांसेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो उनके एजुकेशन की क्वालिटी होगी उस बिहाफ पे स्टूडेंट्स की लाइफ को अफेक्ट होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन तो बहुत ले ली बट इट वॉज यूजलेस. सो फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन एट बोथ हाई स्कूल एंड कॉलेज हैव बीन फाउंड टू अफेक्ट द लेटर अर्निंग पावर. जैसे कि हम कह देते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी उनकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है, बट उस अर्निंग को करने के लिए भी तो उन्होंने कितना टाइम सफ़र किया है, कितने उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, है ना, किसी डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस की होगी, किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिस की होगी, तभी तो जाके वो डॉक्टर एक प्रॉपर एक अच्छे नेमली डॉक्टर बने हैं ना. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कोर्स सेलेक्ट करते हो. ओवरऑल वी कैन से दैट एजुकेशन इज नॉट अ डायरेक्ट चैनल ऑफ मोबिलिटी बट इट मे प्रिपेयर पीपल टू टेक एडवांटेज ऑफ चेंजेस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. एजुकेशन इज ओनली हेल्पफुल टू मास सोशल मोबिलिटी व्हेन एक्सपेंशन एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजी क्रिएट मोर हाई लेवल जॉब्स. ठीक है, विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एजुकेशन का जो रोल है वो सोशल मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये था मेरा सेशन. आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर अप द सिलेबस. नेक्स्ट सिलेबस आई विल ट्राई टू कवर अप टुमारो बिफोर द एग्जाम. ओके, सो कीप वॉचिंग माई चैनल. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब इट एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन, ओनली देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोज. और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है. ओके, थैंक यू.